राजा मुंडा गांव में शासकीय स्कूल को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। उनका यह कहना है कि प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं पहुंचते हैं, इस वजह से बच्चे भी स्कूल आना बंद कर रहे हैं और तो और स्कूल भवन भी जर्जर हो चुका है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों ने 15 अगस्त को झंडा भी नहीं फहराया तो ग्रामीणों ने खुद स्कूल में आकर झंडा फहराया। साथ ही रसोई घर की बात करें तो रसोई घर के नाम से पूरा पैसा 2 साल पहले निकाल लिया गया जिसके कारण आज तक रसोई घर नहीं बना है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के द्वारा पदस्थ शिक्षकों पर कार्रवाई करने और नए शिक्षक की भर्ती करने की मांग की है। स्कूल में परेशानी है, गुरुजी लोग नहीं आते हैं, हेडमास्टर भी नहीं आते हैं। जो सलाम सर है वो आता है बीच बीच में। महीने में कितने बार आता है? महीने में वो कम से कम 3-4 बार या 5 बार ऐसे आता है बस। और ठाकुर सर? वो लमोदर सिंह ठाकुर नहीं आता है। स्कूल का परेशानी, क्या दिक्कत है स्कूल में? पेंटिंग रंग पेंटिंग नहीं लगता है। कब से नहीं लगता है? बहुत दिन हो गया, 2-3 साल से ज्यादा, जब से स्कूल बना है तब से नहीं होता है। तब से नहीं होता है? नहीं होता। और क्या परेशानी है स्कूल में? हर चेरे वेरे घुसते आंदा है। वो किसान रूम भी अभी तक नहीं बन रहा है और वहाँ से ईटा पूरा पड़ा हुआ, अभी तक ईटा दिक्कत हम हो रहा, गल गया, अभी गल गया पूरा गल गया, अभी तक बनाते नहीं। और बच्चे का क्या दिक्कत है? बच्चे का स्कूल में नहीं आते हैं, खाना वाना का बनाने का भी दिक्कत है। मान का दिक्कत है स्कूल का? कब से दिक्कत है? बहुत दिन से, 1 महीना हो रहा है नहीं आते गुरु जी। गुरु जी नहीं आते? नहीं आते। नहीं आने से क्या परेशानी हो रहा है? स्कूल नहीं लगता है। स्कूल नहीं लगता है? बच्चे लोग? और हमारे साथ कांकेर से सुशील जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सुशील, बच्चों की जो दुर्दशा देखी जाए, स्कूल की हालत देखी जाए, क्या कर रहा है शिक्षा विभाग? कहाँ सब आंखें मूंद के बैठे हुए प्रशासन के लोग, कितनी दिक्कतें हो रही बच्चों को? यानी पालक लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया है, झंडा वंदन नहीं हो रहा है, क्या हालत हो रहा है वहाँ के? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर कई बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ स्कूल खोले जाए, अंदरूनी स्कूल में, अंदरूनी ब्लॉकों में जहाँ पर बहुत भीड़ है वहाँ पर भी स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन यह देखा जा रहा है जिले के अंदरूनी इलाका राजा मुंडा गाँव। चलिए, हमारे साथ अनूप नाग जी जुड़ चुके हैं, विधायक, उनसे बातचीत करते हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। अनूप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अनूप जी, हम राजामुंडा गांव की बात करें, एक खबर हम दिखा रहे हैं कांकेर के स्कूल की, जहां पर एक स्कूल ऐसा है जहां पर उसकी स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। काफी लंबे समय से वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, झंडा वंदन तक नहीं हुआ वहां पर, तो क्या कहेंगे इस बारे में, इस स्कूल को लेकर, क्योंकि वो आपके ही क्षेत्र के आसपास आता है? क्लियर करिए ना, राजामुंडा कौन सा? राजामुंडा है क्या? हेलो जी, हम बता रहे हैं कांकेर के पास राजामुंडा गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। वहां की हालत इतने खराब है कि वहां पर शिक्षक भी नहीं पहुंचते। रसोई का जो सामान था 2 साल पहले उसके लिए पैसा निकाल लिया गया, आज तक रसोई में कोई काम नहीं हुआ है और शिक्षक नदारद रहते हैं। तो ये आपकी बात में आपको संज्ञान में है पूरे मामला? ये जी आइए बात जी, मैं से जवाब जानना चाह रहा हूँ अनूप जी, मैं से जवाब जानना चाह रहा हूँ आपके ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है या नहीं है? जी है, है जी। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसे हालत होने के बावजूद क्या कभी आप इस स्कूल की तरफ गए हैं? हेलो अनूप जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। अनूप जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो राजामुंडा के पास जो शासकीय स्कूल है, उस स्कूल की हालत बहुत ज्यादा बदतर है, तो वही जानना चाहूंगा कि ये स्कूल के मामला आपके संज्ञान में होने के बावजूद भी इस तरह की हालत क्यों है स्कूल की? आपको बता दूं जी, बस्तर जिले में कुछ ऐसे गांव है, अंचल है, सुदूर अंचल है जहां आवागमन की असुविधा रहती है जी। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पोस्टिंग तो हो जाती है, वहां नौकरी में चले जाते हैं जी, देर सवेर ये सब ट्रांसफर करा के चले जाते हैं जी, और जो रहते हैं वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं कर पाते जी। ये बात में है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, बहुत जल्दी वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस स्कूल में बच्चे आना छोड़ रहे हैं, और दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी उस क्षेत्र में जाने जाते हैं, आपका बड़ा नाम है, अनूप नाग कोई मामूली नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, इस लिहाज से यदि देखा जाए तो क्या आपका कर्तव्य बनता है कि क्या बच्चों को वास्तव में स्कूल जाना चाहिए या उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? स्कूल जाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है,
हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल जर्जर हो चुका है, छत नहीं है, टीम के उस पर रहकर बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, साथ में रसोई घर बनकर तैयार नहीं हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसके पूर्व के जनप्रतिनिधि और पूर्व सरकार पूर्णतः उनके जवाबदार वही है जी। तो क्या लगता है अब आपकी सरकार है, आप क्या कुछ करने वाले स्कूल को लेकर? बिल्कुल हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे व्यवस्था को। चलिए सर, स्वराज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप क्या वादा करना चाहेंगे कि स्कूल को उन्नति मिल सके, आपकी क्या अगला एक्शन होगा, क्या मुहिम करेंगे आप स्कूल को लेकर? बहुत बहुत जल्दी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ध्यान में लाएंगे और वहाँ की व्यवस्था शीघ्र निराकरण करने का प्रयास करेंगे। स्कूल में शिक्षक भी भेजेंगे और जो खाना बनाए। किशोर डीओ साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किशोर जी, हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, राजा मुंडा गांव के स्कूल की बात कर रहे हैं, जहां पर हालत बहुत ज्यादा बदतर है। अभिभावक यानी कि इन पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया है, ऐसे हालत क्यों बन गए हैं स्कूल के? हाँ सर, ये बहुत सुदूर अंचल में स्कूल सर, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं मिली है ठीक ठाक से। जी, तो आपको जानकारी स्कूल की नहीं है, आप जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं किशोर जी, और उसके बावजूद आपको स्कूल की जानकारी नहीं है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। हमारे साथ अनंत नाग जी भी जुड़े वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुप नाग जी जुड़े हुए हैं जो कि विधायक है अंतागढ़ से, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं जी, बताइए। हाँ सर, मैं तुरंत इसकी जानकारी लेता हूँ सर, हमारे जो सीएसए संकुल समन्वयक होते हैं उनसे जी। क्या समस्या है वहाँ से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरह स्कूल में बच्चे तो आना छोड़ रहे हैं, भवन जर्जर हो चुका है, और वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि 15 अगस्त के दिन शिक्षकों ने झंडा वंदन भी नहीं कराया, और ग्रामीण खुद पहुंचे स्कूल, उन्होंने झंडा वंदन कराया, रसोई घर के नाम से पूरा पैसा 2 साल पहले निकाल लिया गया। इतने बड़े मामले की जानकारी आप तक नहीं है सर? अभी मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं है सर, मैं स्वयं जाऊंगा इस स्तर पर और निरीक्षण करूंगा इस पर सर। जी, तो क्या लगता है ये इतना बड़ा मामला, यानी 2 साल से ये सारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपने कहा कि इसको मैं संज्ञान में लूंगा, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए? नहीं नहीं सर, अभी तक मेरे ध्यान में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई सर उसके बारे में। क्या हम शिकायत का इंतजार करना चाहेंगे या हमें खुद एक बार निरीक्षण करने जाना चाहिए? आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। नहीं सर, जाना चाहिए, हम लोग निरीक्षण जितनी हो सकती है हम लोग करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन चूंकि जो हमारा कोयलीबेड़ा विकास खंड है सर, बहुत सुदूर अंचल में है, बहुत अंदर अंदर जाना पड़ता है, नदी नाले पड़ते हैं, उसके लिए आपको कर्तव्य है सर। हम करते हैं सर, कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित नाग भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर रसोई घर नहीं बनाया आज तक, पैसा सैंक्शन हो चुका था लेकिन 2 साल पहले ही पैसा निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन के द्वारा पदस्थ शिक्षकों पर कार्रवाई करने और नए शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की है, और जैसे कि हमने अभी तमाम जनप्रतिनिधि और अफसरों से बात की है, उनका यह कहना है कि वो इस मामले में संज्ञान लेंगे। आइए बात करते हैं गरियाबंद की।